समंदर में लुढ़कने को तैयार एक बोल्डर। ब्रिटेन में ससेक्स के तट से लगभग 45 किलोमीटर दूर समंदर में बड़े बड़े बोल्डर गिराए जा रहे हैं। पर्यावरण संगठन ग्रीन पीस यूके समंदर में सटीक जगह चुनने के बाद ही वहां बोल्डर कहे जाने वाले बड़े बड़े पत्थर भर रहा है। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच मौजूद अटलांटिक महासागर के सक्रिय रास्ते को इंग्लिश चैनल कहा जाता है। पर्यावरण संगठन के मुताबिक पर्यावरण संरक्षित इलाका होने के बावजूद भी ट्रॉलर यहां समुद्र की खाक छानकर मछली पकड़ रहे हैं। ट्रॉलर के ऐसे जाल समुद्र की गहराई में मौजूद हर जीव को जाल में कैद कर देते हैं। समुद्र अगर कम गहरा हो तो ये जाल धरातल को कुचलते हुए वहां के इकोसिस्टम को उजाड़ देते हैं। ऐसी बॉटम ड्रैगिंग को रोकने के लिए 2016 में इंग्लिश चैनल के एक बड़े हिस्से को संरक्षित घोषित कर दिया गया। लेकिन ग्रीन पीस का कहना है कि औद्योगिक स्तर पर मछली पकड़ने वाले लोग मान नहीं रहे हैं, इसीलिए समुद्र में लगभग 88 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में जहाजों की मदद से बड़े बड़े बोल्डर गिराए गए। ये बड़े बड़े पत्थर ट्रॉलरों के जाल को उलझा देंगे और जाल उलझते ही उन्हें जाल को काटना पड़ेगा। इसके अलावा ये पत्थर समुद्री जीवों को छुपने की जगह भी देंगे। यही कारण है कि दुनिया में बड़े बड़े जलीय इलाकों को संरक्षित घोषित किया गया है, ताकि उन्हें वहां दोबारा पनपने का मौका मिल सके।